से बाहर चला गया। इसके साथ ही साथ अभी हम लोग देख रहे हैं कि आगामी समय में इस देश की पार्लियामेंट के भीतर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लेकर के इस देश की सरकार आ रही। तो आपको बता दें, ये जो बिल आपके सामने आ रहा है उसका असर ये होगा कि उसमें कहा गया है कि इस देश की केंद्र सरकार अगर चाहे तो वो किसी भी इलाके को, वो चाहे अनुसूची 5 के दायरे में आता हो चाहे नहीं आता हो, वो फॉरेस्ट एरिया हो चाहे नहीं हो, जिसे 1980 से पहले भी अगर फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर नहीं किया गया, उस इलाके में भी कहा गया है कि सरकार उस जमीन को छीन सकती है। तो फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल इतना खतरनाक है कि उसमें आपकी ग्राम सभा का कोई प्रोविजन नहीं। उस बिल में आपको अनुसूची 5 के तहत जो अधिकार मिलते हैं उन अधिकारों का कोई जिक्र नहीं है। सरकार कह रही है कि अगर वो चाहे तो किसी भी तरीके का पार्क, इकोसिस्टम या उसके साथ साथ किसी भी तरीके का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मिलिट्री के प्रोजेक्ट लगा सकती है और उसके अलावा कुछ नहीं उन्होंने एनी अदर। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है, आगामी सत्र में आपको देखने को मिलेगा कि आपके इलाकों में भी, चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो चाहे राजस्थान हो, जहां पर भी पूरे देश के भीतर इन इलाकों में गैर आदिवासियों की घुसपैठ करने लगेगी और वो अभी तक बढ़ चली आ रही थी, लेकिन इस बिल के आने के बाद ये घुसपैठ और बढ़ेगी और हमें फिर से एक और दूर दराज के हिस्से में धकेल दिया जाएगा या फिर हमें अपनी ही जमीन पर, जिस जमीन के हम सदियों से मालिक है, उसी जमीन पर मजदूर बना के छोड़ दिया जाएगा। इसलिए इस चुनौती को समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा एक आरएसएस का प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से चल रहा है, वो है डीलिस्टिंग का प्रोजेक्ट। हम सब लोग जानते हैं आरएसएस का एक विंग है जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से, वो लगातार देश भर में मुहिम चला रहा है और पिछले कुछ सालों से 36 में उसके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं और वो कह रहा है कि जिन आदिवासियों ने अपना धर्म छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को अपना लिया, ईसाई या इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, उन सबका जो हक है, उनका जो अधिकार संविधान के तहत मिला हुआ है, उसे छीन लिया जाए, जिसमें आरक्षण भी शामिल है। अब आप सोचिए कि इस देश के आदिवासी इस देश में जब भाग नहीं था उससे पहले से रहते आ रहे हैं, उनकी अपनी एक पूजा पद्धति है, उनके अपने कस्टम है, टोटम है, उनकी अपनी एक सभ्यता है, उसकी अपनी एक परंपरा है। तो क्या कोई आदिवासी दूसरा धर्म एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका रिजर्वेशन या उसके बाकी संवैधानिक फायदे छीन लिए जाने चाहिए? हम यहां से उसका विरोध करते हैं और हमें करना चाहिए, क्योंकि इस देश का आदिवासी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धर्मों को मानता है, लेकिन हमारी पहचान हमारे धर्म से नहीं है, हमारी पहचान हमारी आदिवासियों से है, हमारे आदिवासी होने से है। और इसीलिए हमें इस बात को पुरजोर तरीके से, ये जो विकी सिंह की मांग की गई, इसका खंडन किए जाने की जरूरत है। जो अभी सर की बात कर रहे थे रिलीजियस कॉर्ड की, उस रिलीजियस कॉर्ड की मांग को फिर से फैलाने की जरूरत है। हम सब लोग जानते हैं कि आजादी के पूर्व आदिवासियों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया, कहीं प्रिमिटिव ट्राइब का दर्जा था, कहीं एनिमिस का दर्जा था, कहीं जो है फॉरेस्ट ट्राइब का दर्जा था, अलग अलग कैटेगरी थी, उनके पास एक रिलीजियस कॉलम था। आजादी के बाद वो रिलीजियस कॉलम हमसे छीन लिया गया और वो साजिश छीना गया। वो साजिश इसलिए छीना गया क्योंकि उन्हें लगता था कि इस देश के आदिवासी को, जिसकी की नुमाइंदगी उस समय संविधान सभा के भीतर बहुत कम थी, उसकी बात को छुपा देना, उसको दबा देना बहुत आसान होगा और ये हुआ भी। तो उन्होंने ट्राइबल कोड को हटा ही दिया। जब संविधान सभा की बहस चल रही थी, तब उन बहसों में भी ये बात आ रही थी, तमाम बहसों में ये बात थी कि ट्राइबल्स को आदिवासियों को आदिवासी के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाने की जरूरत है। जयपाल सिंह मुंडा ने बहुत पुरजोर तरीके से इस बात की वकालत की थी कि हमें आदिवासी के अलावा कोई भी दूसरा शब्द मंजूर नहीं है, लेकिन क्या हुआ, एक साजिश हुई आदिवासियों के खिलाफ संविधान सभा के भीतर। पहली साजिश ये हुई
कि कहा गया 1946 का जब प्रेसिडेंट मिशन आया तो उसके तहत कहा गया कि 1 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि नया संविधान सभा के भीतर जाएगा। उस समय आदिवासियों की लगभग 3 से 3.5 करोड़ की आबादी थी। हिसाब से तो कम से कम 30 से 35 आदिवासी नुमाइंदों को वहां होना चाहिए था, लेकिन पहले राउंड में 5 लोग जाते हैं और फिर दूसरे राउंड में अलग अलग टाइम पर पांच और जाते हैं, टोटल 10 लोगों का जिक्र आता है, जिसमें से 4 ने तो कभी संविधान सभा की मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया और उनमें से 3 लोग कभी बोले ही नहीं। जो लोग बात करने से भी कुछ लोग नहीं बोले, सिर्फ 3-4 लोगों का जिक्र मिलता है जिन्होंने आदिवासियों की बात को रखा था मजबूती से, जिसमें एक जो है फांसी ट्राइब आसाम से आते थे जिन्हें निकोलस रॉय और सेंट्रल इंडिया से जयपाल सिंह मुंडा बॉनिफास लाका, ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे हक और हुकूक को संविधान सभा के भीतर बैठ करके सुनिश्चित किया था। पर जब वो लड़ाई यहां चल रही थी तो पता चला कि जिस दिन ये तमाम तरीके की बहस चली और नाम की भी जब बहस आई तो पता चला कि आदिवासी नाम की जगह अनुसूचित जनजाति नाम को रख दिया गया और ये उस दिन को चुना गया जिस दिन संविधान सभा के भीतर जयपाल सिंह मुंडा एब्सेंट। ये साजिश थी आदिवासियों के खिलाफ और साजिश का नुकसान हम आज तक उठाते आ रहे हैं। कोई हमें बनवासी कहकर के चला जाता है, कोई जिंदाबी कहकर के चला जाता है, कोई कुछ और कहकर के चला जाता है, लेकिन हमें यहां से एक बात को इंश्योर करना होगा कि हमें अपने लिए आदिवासी के अलावा कोई भी दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। एक दूसरी बात तो संविधान सभा के भीतर बैठे हुए हमारे नुमाइंदों ने कही थी और जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, जब आर्टिकल 13 की बहस चल रही थी जिसमें मूल अधिकार आते हैं, मूल अधिकारों की बहस के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने एक सवाल उठाया था कि देश के आदिवासी जिन जमीनों पर रहते हैं उसे मूल अधिकार में शामिल किया जाए और उस दिन को जो साजिश रची गई उसका नुकसान यह हुआ कि कहा गया, उस समय कहा गया सरदार पटेल की ओर से, बाकी लोगों की ओर से कहा गया कि ये तो मूल अधिकारों की बहस है, जब संविधान सभा की तरफ से एक कमेटी जो आदिवासी मसलों को रिप्रेजेंट करने के लिए आदिवासी को सुनने के लिए जो कमेटी बनी, दो कमेटियां बनी, जानकर के हैरानी होगी एक ही नुमाइंदगी जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई उससे नुमाइंदगी कर रहे थे, उसके चेयरमैन थे गोपीनाथ भार्गव हुई जो असमीज ब्राह्मण थे, एक सेंट्रल इंडिया के आदिवासियों से जुड़ी हुई कमेटी थी जिसकी नुमाइंदगी कर रहे थे रवि ठक्कर था जो कि आपके गुजरात से आते थे वो भी अपने पास है और उन्होंने हमारी मांगों को इग्नोर किया। संविधान सभा की मीटिंग में जो इनेक्ट रिपोर्ट है उनमें जैसे को लेके हुए जयपाल सिंह मुंडा के पॉलीफास ना करा के, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और उसका खामियां यह हुआ कि आर्टिकल 13 की बहस के तहत कहा गया कि जब समिति की रिपोर्ट आएगी, ट्रेजर एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब आदिवासियों के मसले पर चर्चा होगी और जब समिति की रिपोर्ट आई तब तक सारे मामले सारे फैसले लिए जा चुके थे और कहा गया कि अब तो फैसला हो चुका है, खत्म किया गया, यहां भी कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए
किस तरीके का खेल है, कहा जाता है कि अनुसूची पांच को मिलाकर मिलाकर होगी, जहां पर उस एरिया बेसिकली उन्होंने एरिया को डिसाइड किया कि एक बड़ा एरिया होगा, चाहे वो ब्लैक लेवल हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, उसको अनुसूची पांच में डाला जाएगा। लेकिन चेस के स्थापना दिवस के इस मौके पर हमें एक बात को शुरू करना होगा कि हम अब मांग करते हैं कि जिन गाँव में 50% या उससे अधिक आदिवासी आबादी है उसे अनुसूची पांच के दायरे में लाया जाए। नुकसान क्या हो रहा है, जगह जगह इन्होंने नगर पालिकाएं बनाई, नगर पालिका मंत्री क्या हो रहा है क्योंकि उसमें गैर आदिवासी भी शामिल हो जाते हैं और तुरंत आपकी जमीन जो अनुसूची पांच के दायरे में आती है, पेशा के दायरे में आती है, वो जो है गैर आदिवासियों के हिस्से में चली जाती है और उसका नुकसान हम उठाते आ रहे हैं। आप याद कीजिए तिलका मांझी की फोटो वहां पर लगी थी, तिलका मांझी की पूरी बगावत, जब इस देश के तमाम जो राजा महाराजा लोग कहे जाते थे उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया था, घुटने टेक दिए थे और जो भी हिंदू भी कर रहे थे, बाजी फाप आ रहे थे, सब लोग सरेंडर करके चले गए थे। उस दौर में तिलका मांझी ने बगावत का झंडा आज की तारीख में बिहार अर्थात छत्तीसगढ़ के इलाके में प्रदर्शन किया था और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह यह थी कि आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासियों का प्रवेश और आज भी वही लड़ाई चल रही है कि आपके अनुसूची पांच के इलाके में आदिवासी बहुल इलाके में गैर आदिवासियों को लाकर के बसाया जा रहा है। फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल भी उसी की एक साजिश है जिसके तहत आपकी जमीनों को लिया जाएगा गैर आदिवासी प्रपजों के लिए। उनका उद्देश्य होगा कि देश के धंधा से बंदो पूंजीपतियों को आदिवासी इलाकों में लाया जाए, उनके लिए मुनाफा कमाया जाए ताकि वो आगामी चुनावों में उनको फंड मिल सके। उनके पास पैसे नहीं है कि वो कोर्ट और कचहरियों में जाकर के
कि वो रिहा हो सके लेकिन इस देश की फोटो की क्या स्थिति एक नेता पिछले साल सरकार ने जो है पार्लियामेंट के भीतर पेश किया कहा गया 2018 से लेकर के 2017 से लेकर 2022 के बीच में इस देश के तमाम हाई कोर्ट में लगभग 569 जजेस की नियुक्ति हुई। आपको पता है उसमें से आदिवासी कितने हैं? मात्र 9। लागू